विदिशा जिले के गंज बासोदा में असाध्य और लाइलाज बीमारियों की रोकथाम के लिए मानस भवन में आयोजित होने वाले 17 दिवसीय निःशुल्क रोग निवारण शिविर का शुभारंभ सोमवार को संतों की गरिमामय उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। शिविर के दौरान पीड़ितों और मरीजों को पीने के लिए आयुर्वेदिक औषधि से तैयार काढ़े और चूर्ण के साथ उपचार का परामर्श दिया गया। शिविर के शुभारंभ के पहले ही दिन नगर के अलावा अन्य शहरों से आए हजारों की संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचे। श्री महाकाल सेवा संघ के तत्वाधान में सोमवार को मानस भवन में नौलखी खालसा के श्री महंत राम मनोहर दास जी, गंज मंदिर महंत महेश्वर दास त्यागी जी, मुंडेरी धाम के परशुराम दास जी, सिन्नोटा धाम के हनुमंत दास जी एवं समाज सेवी डॉक्टर विमल चंद ओसवाल बाबा महाकाल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शिविर का शुभारंभ किया। शिविर के संयोजक देवेंद्र वर्मा ने बताया कि 31 मार्च तक शिविर आयोजित रहेगा, जिसमें मरीजों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन राम कमल रघुवंशी ने किया। शिविर के दौरान सिरोंज से आए चंद्रशेखर रघुवंशी, घनश्याम सिंह रघुवंशी ने सिरोंज लटेरी के शिविरों के अनुभव को साझा किया। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आप क्या नाम है, आप कहाँ से आए? सिरोंज से। आपका नाम क्या है? चंद्र कुमार पाटीदार। क्या समस्या थी आपको? नसों की प्रॉब्लम थी। नसों की प्रॉब्लम के कारण क्या दिक्कत होती थी आपको? महाराज जी का शिविर आप कितने अटेंड किए आपने? ये तीसरा है। तीसरा है थी। क्या लाभ है आपको? 25% आराम है, चलने का बन जाती है। तो क्या दवाई क्या क्या लेते थे आप? दवा लेते हैं और दवाई देते हैं। मालिश भी करवाते थे क्या आप? जी हाँ। मालिश से फायदा है? फायदा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।